जारी किए हैं। कल सुबह 5 बजे से 3 मई तक बढ़ाई गई है प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो भी हो गई है, क्योंकि जो पेपर्स है वो भी है और इसमें क्लियर लिखा गया है कि क्या चीजें खुली रहेंगी, किस तरह से चीजें बंद रहेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जीवन भी जरूरी है और उसी के तहत देखिए जो लॉकडाउन है वो नहीं लगाया गया, लेकिन क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़े थे इसलिए ये बड़ा फैसला। सुशांत हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। सुशांत, 3 मई तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, क्या कुछ समय अवधि? देखिए, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है सरकार ने, इसको कर्फ्यू की बजाय जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। आप अपनी जब दर्शकों को आप संबोधित करें तो आप बता सकते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू की अवधि सुबह 5 बजे खत्म हो रही है, लेकिन कल सुबह 5 बजे से लेकर जो 3 मई है यानी 3/5/2021 को सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। एक तरीके से कर्फ्यू ही रहेगा, लेकिन सरकार इसको लोगों को इससे किसी तरह का डर और भय का माहौल नहीं बने, लिहाजा इसको जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। इसमें क्या क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, पूरी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, लेकिन इसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। यानी सरकार ने जिस बात को लेकर हम सुबह से चर्चा कर रहे थे कि अब चिकित्सकों ने सलाह दी है, मंत्रियों ने सलाह दी है कि चेन को तोड़ना होगा और उसी के तहत सरकार ने ये फैसला किया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से